गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास टेंथ नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 8A का प्रश्न क्रमांक संख्या 16 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि यदि टैन ए बराबर है 1/√3 के एंड टैन बी इज इक्वल्स टू 1/√3, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का मान आपको ज्ञात करना है। देखो, जब बीच में कोई साइन नहीं होते तो मल्टीप्लाई माना जाता है, इन दोनों के बीच में भी कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होगा। अब आपके पास दिया है टेन ए की वैल्यू, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। ये होता है, देखो ये वैल्यू कहाँ यूज होती है, आपने छह नाम याद करे हैं। पहला होता है साइन कॉस टेन और फिर नीचे से उल्टा कॉट सेक कॉस सेक, है ना। ये छः इस वैल्यू पे होती है। साइन की वैल्यू पी एच। अब पी होता है आपका लंब। देखो, जैसे ये आपका देखो एक समकोण है, यहाँ देखो ये आपका एक समकोण है। ये समकोण में अगर हमने ये थीटा बनाया तो देखो ये सामने की भुजा ये हो गई, लंब हो गई ना। लंब को पी से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा आपका एच, यानी ये कर्ण हो गया। कर्ण जो 90 के डिग्री के सामने भुजा होती है वो कर्ण होती है। ये आपका कर्ण हो गया और नीचे आपका कर्ण को एच से डिनोट करते हैं, यानी हाइपोटेनियस। और नीचे ये आपका बेस हो गया, जिसको बेस मतलब आधार होता है, बेस को बी से इंग्लिश में डिनोट करते हैं, वही ये नंबर है। आप इंग्लिश में याद करो, इंग्लिश में ज़्यादा आसान होता है ना। अब देखो दिया क्या क्या है हमारे पास, आपके पास दिया है टेन थीटा ए है आपका, है ना। 1/√3 दिया हुआ है टेन की वैल्यू। अब टेन होता क्या, इसी में से चेक कर लो। देखो साइन कॉस टेन, टेन की वैल्यू होती है पी अपॉन बी। पी इसमें देखो, जब ए थीटा है, यहाँ पर हमने ए लिख दिया, यहाँ हमने लिख दिया बी और यहाँ हमने लिख दिया सी। अब देखो, जब ए थीटा है हमारे पास तो यानी ये हमारा लंब हो जाएगा। इन्होंने लंब कितना बताया है, लंब यानी पी परपेंडिकुलर, जिसको लंब बोलते हैं। ये हो गया हमारा वन, बेस जिसका थीटा बना होता है वो बेस होता है, बेस हमारा √3 है। हमें कर्ण निकालना है, कर्ण यानी एच हाइपोटेनियस निकालना है। उसके लिए आप पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण हमारे पास हमें नहीं दिया तो कर्ण की जगह हम लिख लेंगे ए बी का स्क्वायर। लंब हमारे पास है एक, एक का स्क्वायर, और आधार है हमारे पास √3 और उसका स्क्वायर। फिर देखो ए बी का स्क्वायर, यहाँ हो गया हमारा वन, रूट से ये रूट कट गया। इसका रूट का मतलब होता है कि इसे स्क्वायर लग गया, यानी √3 × √3। रूट का मतलब आधी वैल्यू, तो आधी आधी वैल्यू मिलके पूरी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 3। अब ए बी ये वाला जो रूट है इसको आप यहाँ लगा दो, ये हो गया 4। अब 4 होता है आपका 2 का वर्गमूल, तो यानी ए बी आपको कितना मिल गया, 2। यहाँ मिल गया आपको कर्ण, मिल गया आपके पास 2। अब इन्होंने जो जो वैल्यू पूछी है सारी वैल्यू निकाल लो। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में कॉस निकालना है ना, तो कॉस और थीटा किस पर है, थीटा ए पर है। तो कॉस की देखो, थीटा तो यही है, और कॉस की वैल्यू क्या होती है, साइन कॉस, कॉस यानी बी और एच। अब बी की वैल्यू इसमें कितनी है, बी या सिन, बी यानी ये देखो ये आधार, तो बी की वैल्यू है हमारे पास कॉस बी की वैल्यू √3। और दूसरी एच की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, 2 निकाली। फिर देखो दूसरा क्या है, कॉस बी निकाल लो। देखो कॉस बी, कॉस बी की वैल्यू भी होगी वही बी अपॉन एच, लेकिन थीटा इस बार बी पर है। देखो बी पर थीटा का मतलब ये थीटा है। देखो जब ये थीटा है तो थीटा जिस पर बना है ना, जब इसको आप घुमा लोगे तो ये आपका बेस हो जाएगा। तो इसमें बेस कितना हो गया आपके पास, ये देखो ये बेस हो गया ना, बेस 1 हो गया, और ये लंब हो गया, तो ये आपके पास √, और लंब ये कितना हो गया, लंब कॉस बी पर लंब है, आपने हाइपोटेनियस लंब नहीं कर्ण निकालना है। तो कर्ण देखो एच मतलब कर्ण होता है। और फिर देखो क्या बोला है, और आपको साइन निकालना है, साइन ए, साइन ए क्या फॉर्मूला होता है इसी से देख लो। साइन यानी पी एच, यहाँ लिख दो पी और एच। अब पी थीटा ए पर है ना, यानी पी हमारा हो गया 1 और एच हमारा हो गया 2। फिर देखो साइन इस बार आपको बी निकालना है, साइन बी पर देखो वैल्यू वही पी और एच, लेकिन थीटा हमारा इस बार
बी पर हो गया यहाँ पर, है ना। तो बी पर थीटा, तो पी हमारे पास क्या हो गया, ये पी हो गया ना, और एच हमारा टू ही है, तो यहाँ लिख दो अंडर रूट थ्री अपॉन टू। अब सारी वैल्यू निकल गई, अब क्वेश्चन में रख देते हैं। देखो क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन में नहीं लिख रही हूँ, मुझसे बोल दे रही हूँ। कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू लिख दो आप अंडर रूट थ्री अपॉन टू, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो गया। कॉस बी की वैल्यू है वन अपॉन टू, फिर माइनस का साइन है। साइन ए की वैल्यू है हमारी वन अपॉन टू, फिर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा दिया, अंडर रूट थ्री अपॉन टू हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ये मल्टीप्लाई है, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, कट नहीं रहे हैं, तो ये हो गया आपके पास अंडर रूट थ्री, और ये टू टू जा फोर, फिर माइनस का साइन, ये देखो अंडर रूट थ्री वन जा अंडर रूट थ्री, और नीचे हो गया फोर। अब दोनों के बेस सेम हो गए ना, जब बेस सेम हो गया तो इसको एलसीएम दोनों के सेम हो गए, नीचे फोर लिख दिया, और जब सेम है तो चेंज तो ऊपर कुछ करना नहीं है, लिख दो अंडर रूट थ्री, यहाँ पर भी अंडर रूट थ्री। देखो ये अंडर रूट थ्री प्लस का हो गया, ये माइनस का, प्लस माइनस खत्म हो गया, तो जीरो अपॉन फोर आ गया। जीरो अपॉन फोर का मतलब, जीरो मतलब जो कुछ है ही नहीं, तो यानी उसके कितने टुकड़े करोगे। देखो इसका मतलब होता है कि कुछ जो भी है उसके चार टुकड़े हैं, तो जब कुछ है ही नहीं तो उसके टुकड़े क्या करोगे। यानी कोई भी चीज़ होती है जब जीरो से मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो तो आंसर जीरो आता है। ये इसका आपका आंसर हो गया। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देती रहूँगी, आप जितना जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करोगे उतना ही वीडियो डालने का मेरा इंटरेस्ट और बढ़ेगा, मैं जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन को तो आपके वीडियो अपलोड करूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बच्चों।